अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, आज दारुल उलूम नूरुल्कुरान कादरिया गरीब नवाज में तीसरा दिन पर्चा होने जा रहा है, यानी 19/10/2022। आज जो पर्चा है दोनों जमात, यानी पहली और दूसरी जमात, दोनों जमात का पर्चा होने जा रहा है। यानी पहली जमात का मुफ्ताहु तिलावा वो किताबत है, यानी तहरीरी एग्ज़ाम है, और लिसानुल कुरान दूसरी जमात के लिए वो भी तहरीरी है। और ये हमारे हज़रत मौलाना फखरुद्दीन आदिल साहब किबला प्रिंसिपल दारुल उलूम हाजा, और ये हमारे हाफिज़ गुलाम जाबिर साहब है, यहाँ के स्टाफ है, और ये कमेटी के मेंबर हैं, और बाकी देगर जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ये तमाम बच्चे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहली और दूसरी जमात को हर एक बच्चे को तब्दील करके बिठाया गया है, और बाकी जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम नहीं है उन बच्चों को साइड में रखा गया है। अब आइए हम लोग जो है कानून के दायरे में, जो एक एग्ज़ाम का कानून होता है कि नहीं, जैसे हम लोग को हादिया वालों ने जो पार्सल भेजा था पर्चों का, जैसे वो सील पैक आता है वैसे ही सील पैक है, यानी इसको खोला वोला कुछ नहीं गया, पेपर वगैरह कुछ नहीं लीक किया गया है, वो जैसे दिया गया था वैसे रखा गया। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में खोला जाता है और डायरेक्ट बच्चों को बिठाने के बाद बच्चों में तकसीम किया जाता है। तो आइए उस सील को हम लोग कट करते हैं, और वो कट करने के लिए हमारे दारुल उलूम के प्रिंसिपल हज़रत मौलाना फखरुद्दीन आदिल रशीदी साहब हैं, और हमारे स्टाफ जो हाफिज़ गुलाम जाबिर साहब है, वो दोनों मिलकर कटिंग कर रहे हैं। आप लोग गौर से देख सकते हैं। दोनों जमात का पर्चा है ना, उसमें निकाल लीजिए प्रशासन जी, ये पहली जमात, ये दूसरी जमात। चलिए ठीक है, तो अब हम पर्चा तकसीम करने के लिए जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में आप इंतज़ार करें, उसमें भी आपको दिखाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।